तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति सर्वदान्तिकं वन्देहं श्री गुरुं श्रीवरदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सर्वजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय पंचालपतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। एक श्लोक से स्टार्ट करेंगे। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान ये वा स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरी मा विदिशो वा मदीय सौख्य चास्य मदनुभवत कीदृशं वेति लोभा तत् तद्भावाक्य समजनी सची गर्भ सिंधो हरिंदु। ये सर गोस्वामी के कर्चा में एक श्लोक दिया हुआ है जिसका अर्थ है स्वरूप शक्ति रूपा श्रीमती राधा राधिका जी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है। श्रीमती राधिका जी जिसका आस्वादन करती है वह मेरी अद्भुत मधुरिमा कैसी है। मेरी मधुरिमा की अनुभूति से श्रीमती राधिका को कौन सा अनिर्वचनीय सुख मिलता है। कौन बोल रहा है ये? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं अवतार क्यों लेना चाहता हूं, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि स्वरूप शक्ति रूपा श्रीमती राधिका जी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है। भगवान प्रेम तो जानते हैं लेकिन राधा रानी उन्हें कैसे प्रेम करते हैं जो अलौकिक प्रेम है, तो वो उसकी महिमा क्या है। तो राधिका जी जिसका आस्वादन करती है वैसी मजबूत मधुरिमा कैसी है। और मेरी मधुरिमा से मतलब भगवान श्री कृष्ण की मधुरिमा से की अनुभूति से जो राधा रानी को कौन सा अनिर्वचनीय सुख मिलता है। अनिर्वचनीय जिसको कोई वचन में कोई बयान नहीं सकता वैसा सुख मिलता है। इन तीन लालसाओं की पूर्ति की अभिलाषा से राधा भाव द्युति संवली तनु राधा भाव द्युति संवली तनु श्री कृष्ण चंद्र श्री सची गर्भ समुद्र के गौरांग देव के रूप में आविर्भूत हुए। तो ये है गौरांग का अवतरण का एक मुख्य कारण कि भगवान श्री कृष्ण जानना चाहते हैं कि राधा रानी उनसे कैसे प्रेम करती है और प्रेम का आस्वादन कैसे करती है, उसमें क्या सुख पाती है। तो वो जानने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया। अभी पिछले 9 दिन से अपना यहां पे गौरांग महाप्रभु के ऊपर
अपनी कक्षाएं हो रही है उसमें अलग अलग विषय वस्तु को टच किया गया है। तो आज हम ये करेंगे कि भगवान श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कैसे इस जगत को दिखाया कि वो भगवान है, मतलब उन्होंने ऐसे कैसे दर्शन दिए अलग अलग भक्तों को कि जिससे ये साबित होता है कि वो भगवान है, और दूसरा है कि शास्त्र के प्रमाण क्या है, कौन से शास्त्र बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसे आजकल देखते हैं कि सभी लोग जो बोलते हैं कि जो थोड़े गुरु या कुछ बाबा है तो वो थोड़े जैसे ही प्रसिद्ध होते हैं तो तुरंत वो बताना शुरू करते हैं मैं भगवान हूं सब मेरी पूजा करो। तो शास्त्र ये बताते हैं कि जब ऐसा कोई बताता है तो उसको ये पूछिए कि अब भगवान बनने का प्रमाण आपके पास क्या है, क्योंकि जैसे अपने अपना धर्म जो है वो सनातन धर्म है और सनातन धर्म में वेद और पुराण में विविध भविष्यवाणियां की गई है और वो भविष्यवाणियों के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। जैसे अभी इधर में वेस्ट वाले जो बोलते हैं कि नॉस्ट्राडम का एक फोरकास्ट है वो फॉलो हो रहा है, उसमें काफी चीजें लोग लिंक करते हैं, उससे काफी स्टेप ऊपर कई गुना अधिक भव्य अपने जो अनादि ग्रंथ है, भूतकालीन ग्रंथ नहीं बोलेंगे, अनादि ग्रंथ है जो सनातन धर्म का सनातन समय से आ रहे हैं, तो उसमें विभिन्न भविष्यवाणियां की गई है कि भगवान कब अवतरित होते हैं। तो उसके लिए पहले एक छोटी सी लीला हम लोग सुनेंगे कि भगवान ने कैसे अपने छोटे समय में, मतलब काफी कम उम्र थी तभी उन्होंने प्रमाण दे दिया कि वो भगवान है। तो ये था कि तब गौरहरि कोई होंगे 10-11 साल के, और तब 10-11 साल का बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो स्कूल जाएगा पढ़ाई करेगा, पर वो 10-11 वर्ष की उनका जो उम्र थी आयु थी तो तब वो व्याकरण के प्रकांड पंडित थे और उनकी ख्याति। दूसरा चीज ये कहे कि जब महाप्रभु अवतरित हुए थे तब नवदीप नदिया मायापुर जो है वो शिक्षण का मुख्य धाम माना जाता था, पूरे भारतवर्ष से पूरे समग्र जगत से विश्व से वहां पे लोग न्याय शास्त्र और व्याकरण सीखने के लिए आते थे स्पेसिफिकली। तो महाप्रभु 10-11 साल के आयु में ही उतने विख्यात हो गए थे कि उनकी खुद की चतुष्पाठी थी, चतुष्पाठी जो अभी जो विद्यालय जो बोलते हैं उसे चतुष्पाठी बोलते हैं, तो खुद चतुष्पाठी चलाते थे। तो एक पंडित था जिसको केशव कश्मीरी पंडित बोलते हैं, जिसे एक नाम है दिग्विजय पंडित, तो दिग्विजय पंडित का उसके ऊपर सरस्वती माता सरस्वती की असीम कृपा उनके ऊपर इतनी प्रसन्न थी कि उनको विद्वता में कोई हरा नहीं सकता। तो वो कश्मीर से चालू किया था और पूरा भारत भ्रमण करते 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 ढूंढता रहता था कि कहीं पे कोई पंडित है जिसे मैं लिखवा लूं कि भाई हम आपको शरणागत होते हैं आप महान पंडित हैं। जैसे करते करते बाद में उन्होंने कहीं सुना कि भाई अभी तो जो गढ़ जो है वो तो मायापुर नवद्वीप है तो उधर चलते हैं। तो केशव कश्मीरी पंडित का इतना ऐश्वर्य था, उतनी महिमा थी कि वहां के जो मुख्य आचार्य थे, मुख्य शिक्षक थे, जो वरिष्ठ ब्राह्मण थे, जब उनको चैलेंज किया गया तो उन्होंने बोला कि मैं इनसे हारने से अपना नाम क्यों खराब करने का। तो उन्होंने बोला कि बहुत आजकल महिमा चल रही है ये निमाई की, निमाई किसको बोलते हैं, चेतन महाप्रभु, क्यों, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ। तो ये बोलते हैं कि निमाई को इसमें इसके साथ में लड़ा लेते हैं तो दो काम हो जाएगा, या तो फिर निमाई का साबित हो जाएगा निमाई रियल में पंडित है और हार गया तो हमारे कांटा हट जाएगा,
तो उन्होंने केशव कश्मीरी को बताया कि भाई हमारे यहाँ पे आपको हमारे साथ आपको शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं है। ये सफेद बाल वाले जो लोग हैं इतने सब बड़े बड़े जो लोग, उसके बाद एक छोटे बच्चे को तो पहले हरा दो, हमारा 11 साल का बच्चा है उसको आप हरा दो, बस हम मान जाएंगे भाई ठीक है तुम सही हो, हम लोग लिख के दे देंगे भाई हम हार गए। बोले एक पंथ एक पत्थर दो काज। तो वो केशव कश्मीरी ढूंढते ढूंढते निकला तो वो तो उनके चतुष पांड तो चला थे पर वो बालक ही थे, तो नदी किनारे एक झोपड़ी जैसा बनाए थे उधर में बैठ के वो लोग कुछ गपशप कर रहे थे। तो उनका उधर से निकले किसी ने बोला नहीं वो अभी तो निमाई उधर गंगा तट पे होगा, उधर अठखेलिया कर रहा होगा, उधर बच्चों को उधर ही सिखाता है वो। तो केशव कश्मीर पंडित उधर पे गए, उधर जाकर उनको पूछा कि भाई ये निमाई पंडित कौन है। बच्चों ने बोला वो उधर जो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जाके बड़ी विनम्रता से निमाई को बोला कि सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो निमाई पंडित बोला आप मेरे से क्या शास्त्रार्थ करोगे, मैं तो एक बच्चा हूं मुझे कुछ पता नहीं। नहीं, आपके नगर के सभी लोगों ने बताया है कि आप प्रकांड पंडित है और मैं आपको चैलेंज करता हूं। तो निमाई पंडित ने विनम्रता से बोला कि देखिए न मेरे में कुछ ज्ञान है न मुझे कुछ पता है, ठीक है अभी गंगा तट पे बैठे हुए हैं तो गंगा जी का महिमा ही कर दीजिए आप। बड़े सिंपल टॉन से उन्होंने बताया कि आप गंगा जी का महिमा कर दीजिए। तो अभी जो विद्वान जो होते हैं ज्ञानी होते हैं उनको क्या चाहिए, उनका ज्ञान का प्रदर्शन करने का चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने बोला, निमाई ने बोला कि गंगा जी का महिमा गान कीजिए, तो उन्होंने इन नो टाइम मतलब 100 श्लोका जड़ दिए फटाफट 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 फटाफट। और उसने सोचा कि ये छोटा बच्चा 100 श्लोका मैं जब भी जो दे रहा हूं तो उसको क्या सुनेगा, उसको क्या समझ में आएगा। एक तो पहले तो सुनने में याद रहेगा नहीं, दूसरा समझ में आएगा नहीं, तो ये क्या जवाब देगा। तो निमाई पंडित ने वो सुना और उन्होंने बोला कि पंडित जी आपने गंगा जी की बहुत अच्छा महिमा गान किया है। तो वो खुश हो गया। पर तो केशव कश्मीरी का हवा मतलब निकलना चालू हो गया। जैसे ही पर बोला क्या मैं जो भी रचना करता हूं उसमें कोई भूल नहीं होती है, आज तक इतने वर्षों में कोई मुझे मेरी भूल नहीं निकाल पाया। बोला नहीं, भूल नहीं है, आपने जो एक श्लोक का नंबर बोला 64 84 समथिंग, तो बोला उसमें आपने एक शब्द उपयोग किया है भवानी भर्तु। तो भवानी भर्तु का शब्द हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो जैसे ही उन्होंने भवानी भर्तु बोला, भवानी भर्तु मतलब भवानी का पति। तो गंगा जी शिव जी का हेड से निकलता है पर शिव जी उनके पति नहीं। तो जैसे इतना इतने सूक्ष्म एक व्याकरण की भूल के लिए जब उनको पकड़ लिया तो उन्होंने बोला ये तो एक है बाकी भी काफी मेरे पास चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, पर इतनी सूक्ष्म चीज जब कोई पकड़ लेता है तो फिर बाकी मोटा मोटी चीजें तो उसको खुद को ही पता होगी, उनको पता होगी कि मेरी क्या गलती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये दे सही निकल हम वापस शास्त्रार्थ करेंगे करके वो चले गए। और रात में उनको नींद नहीं, रात में उधर में जाके अपने रूम में जाके सरस्वती माता को प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरा छोटे छोटे बच्चों के सामने मुझे लज्जित करने का क्या अर्थ है, आप मुझे छोटे बच्चों के सामने लज्जित कर दिया, मैं इतना बड़ा पंडित हूं आप मुझे एक बार बोलते हैं कि मैं आपकी जीवा पे रहती हूं और आपने छोटे बच्चों के सामने मुझे लज्जित कर दिया, मेरा अपमान हो गया करके वो सो गए। रात में देवी सरस्वती उनके स्वप्न में आई और बोला केशव केशव गुड गुड। वो नींद में ही मतलब जैसे उठ के उनसे बात कर रहे हैं तो वापस कंप्लेन करना चालू कर दिया। तो सरस्वती माता ने बोला आप किससे लड़ रहे हैं।
ये जो निमाय है वो भगवान स्वयं है, वो मेरे पति है, तो मेरा पति मैं तो मैं किसी के सामने हार नहीं दे सकती। तो केशव कश्मीरी समझ गए, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और बाद में जाके निमाय से माफी मांगी उन्होंने। और निमाय ने बोला, नहीं नहीं अभी आपको गांव में जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी के सामने आपको नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको जो करना कर सकते हैं। और बाद में केशव कश्मीरी प्रकांड आचार्य तो मतलब प्रकांड पंडित तो थे ही, बाद में वैष्णव हो गए और निम्बार्क संप्रदाय में वो विशिष्ट आचार्य बने थे। तो ये पहला प्रमाण था कि जब सरस्वती देवी ने बताया था कि निमाय भगवान स्वयं। तो अभी प्रमाण में जाएंगे, एक ही लीला में जाएंगे, बाकी प्रमाण में जाएंगे। एक अथर्ववेदीय चैतन्य उपनिषद 7.8.9 में जहां लिखा है, एको देव सर्व रूपी महात्मा गौरव रक्त श्यामल श्वेत रूप चैतन्य आत्मा सवे चैतन्य शक्ति भक्तावतारो भक्ति दो भक्ति वेद दिव्यादि दिव्य गोलोक में नित्य लीला परायण वह एक ही भगवान सब रूप धारण करते हैं। अतः उदार चेता है वही युग भेद से क्रमशः श्वेत रूप से सत्ययुग में, रक्त वर्ण से त्रेता में, श्यामल वर्ण से द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और गौर हरि के रूप में कलयुग में अवतरण होते हैं। वही प्रभु चैतन्य शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ताकार में विराजमान है, वे ही श्री गौर हरि रूप से शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के दाता है, अतः भक्ति से जानने योग्य है। तो ये अपने जो वेद पुराण जो है वो अनंत काल पहले शब्दार्थ किए गए हैं। जैसे बोलते हैं कि भगवान जब गरुड़ पे आसीन होके चलते हैं जाते हैं तो गरुड़ जी की जो क्या पंख जो फरफराती है उससे वेदों की ऊंचाई प्रकट होती है। तो वेद जो है भगवान से साक्षात आते हैं। तो ये वेदों में ये बताया हुआ है कि भगवान कौन है। दूसरा एक है जिसमें लिखा है वेदांत वेद्य सर्वांतर आत्मा पुराण पुरुष विश्व के आदि कारण जो पुरुषोत्तम भगवान है उनको श्री चैतन्य महाप्रभु रूप से जानकर ही जीव मृत्यु से छुटकारा पाता है। क्या फायदा है चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने से? क्या होता है? जीव मृत्यु से छुटकारा पाता है। मृत्यु छुटकारा कौन पाना चाहता है? यहाँ पे कोई हाल उठा सकता है? कोई जो मृत्यु से छुटकारा पाना चाहता है? उनको पहचाने बिना अपने इष्ट के पास जाने का और कोई भी मार्ग नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री चैतन्य महाप्रभु में किंचित भी भेद नहीं है। दूसरा एक श्लोक में बताया हुआ है। तो अभी ये जो अपने श्लोकों में जो लिखा हुआ है जिसको हम अर्थगणन करें तो समझ में आता है। इसमें लिखा हुआ है सप्तम विवत्तर मन्वंतर के 28वें कलयुग की प्रथम संध्या में अपनी आधादिनी शक्ति से एकता धारण कर अवतरण हो अपने पार्षदों से मिलकर हरे कृष्ण इत्यादि अपने महामंत्र का उपदेश सर्वसाधारण के लिए करते हैं। सज्जनों अकारण एक बार आगे से बैठिए दरवाजा खुल सके प्लीज। वो नहीं आगे आ जाइए ना यहाँ पर आ जाइए। अकारण करुणा वरुणालय श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव के सिवाय भक्त कार्य और कौन से अवतार में संगठित होता है? अतः वेद में यह श्री चैतन्य देव के अवतार का ही वर्णन है। और दूसरा जैसे एक बहुत फेमस श्लोक है सबको पता है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम बोलो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो धर्म
संस्थापना की कब जरूरत पड़ती है? जैसे कली भगवान श्री कृष्ण ये धराधाम छोड़ के गए, उसके प्रारंभ में कली काल के अकांड तांडव नृत्य से पाखंड परायण गौड़ देश के साधुजन जब भक्ति प्रदान परम धर्म की हानि से महान दुखित होने लगे। गौड़ देश मतलब क्या है? वो वेस्ट बंगाल बिहार रीजन जो है, झारखंड रीजन, उसको गौड़ देश बोलते हैं। तो वहां के जब लोग धर्म की हानि से दुखी हो रहे थे, दुष्टों का बोलबाला देखकर श्री अद्वैत आचार्य जैसे साधुओं की करुण पुकार को सुनकर प्रभु श्री कृष्णचंद्र को गौरांग रूप में मायापुर नदी में अवतार लेना पड़ा। इस अवतार में यह विशेषता है कि अन्य अवतारों की भांति आयुध विशेष न धारण करके, अभी भगवान को हम कभी भी देखते हैं तो उनके हाथ में कुछ आयुध रहता है, कुछ ना कुछ रहता है ना, शस्त्र अस्त्र कुछ रहते हैं। तो जैसे दो अवतार है जिसमें ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं है, एक है वामन देव का अवतार है, जो एकदम सौम्य अवतार है, और दूसरा चैतन्य महाप्रभु अवतार है। तो केवल निज हरिनाम का अस्त्र से दुष्टों का विनाश, साधुओं की रक्षा एवं परम धर्म अर्थात सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति, मतलब प्रेम लक्षण भक्ति रूप धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतरित हुए। कुर्मा पुराण में लिखा है कि कली रूप दावानल से जलते हुए भक्तों के उद्धार के लिए कली की प्रथम संध्या में भूतल पर ब्राह्मणों के कुल में मैं अवतरित होऊंगा, भगवान ने ऐसा कुर्मा पुराण में कहा है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग की प्रथम संध्या में षड ऐश्वर्य परिपूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान ही दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के समीप, श्री जगन्नाथ जी के समीप, जगन्नाथ जी कहां पे है? पुरी, श्री क्षेत्र पुरी में है, वह उसके नजदीक में श्री गौरांग रूप धारण कर संन्यास वेश में अवतरण होंगे। गरुड़ पुराण की यह उक्ति श्री कृष्ण चैतन्य देव का बोध कराती है, कारण आपकी प्रथम पत्नी का नाम लक्ष्मी था और आपने पुरुषोत्तम क्षेत्र के समीप आपका अवस्थान प्रसिद्ध किया था। एक देवी पुराण में लोग बोलते हैं कि देवी देवता वगैरह तो उनका कुछ महिमा मंडन करते नहीं है, पर जैसे वैष्णव में हम लोग बोलते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, मतलब शंभु भगवान शिव शंकर जैसा कोई वैष्णव नहीं है। तो एक बार श्री महादेव जी पार्वती से उनके नायक प्रभु, वो किनका शंकर भगवान किसकी आराधना करते हैं? भगवान राम की, भगवान विष्णु की। प्रभु ही कवल जी बोले, निखिल कोटि ब्रह्मांड श्री नवदीप में प्रकट होकर भगवान नाम के सिद्धांत की संपत्ति का प्रकाश करने के लिए श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य नाम से लोगों में वो प्रसिद्ध होंगे। नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है, सत्ययुग में जो प्रभु हिरण्यकशिपु का विनाश करने के समय नरसिंहाकृति से अवतरण हुए थे, त्रेतायुग में रावण का तिरस्कार करते हुए परम मनोहर राम नामक श्री विग्रह से प्रकट हुए और द्वापर में पृथ्वी का भार उतारने के लिए ग्वाल बालों की रक्षा करते हुए त्रिभुवन मोहन रूप से श्री वज्रधाम में विराजे, वे ही प्रभु कलयुग में संकीर्तन प्रिय गौरांग देव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात होंगे। तो ऐसे वेदों में बहुत प्रमाण है, जो पढ़ने बैठेंगे तो दो तीन घंटे वो प्रमाण सुनने में आ जाएंगे। तो जैसे भगवान की शक्तियां अचिंत्य है, भगवान का ऐश्वर्य अमाप है जिसको कोई मेजर नहीं कर सकता, और भगवान का औदार्य और करुणा वो अगाध है। अगाध मतलब इतना डीप है, जैसे समुद्र को, समुद्र कितना डीप है वहां तक कोई पहुंच सकता है? उसका बॉटम तक जहां भी डीप है वो। तो भगवान का प्रेम उतना अगाध है, और वो प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकदम फ्रीली वितरण किया, मुक्त भाव से वितरित किया। अभी कोई भी देवी देवता है उनकी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है किसी को वरदान देने के लिए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने न देश देखा, न काल देखा, न व्यक्ति की योग्यता देखी,
उन्होंने स्वतंत्र भाव से पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार किया और सबको प्रेम दिया। इसलिए उनका एक उक्ति है, जारे देखो तारे कहो श्री कृष्ण उपदेश। और अपना इंडियंस के लिए उन्होंने एक उक्ति दी है, क्या है वो, भारत भ्रमेले होइले जन्म यार हरिनाम, हरिनाम साक्षात्कार कर रहे कर पर उपकार। मतलब खुद आप भगवान को, आप भारत भूमि में जन्म लिए हैं तो आप पवित्र देश में जन्म लिए हुए हैं, तो आपके कुछ पुण्य है इसलिए आपने भारत में जन्म लिया है। तो आप खुद भगवान को समझो और भगवान का नाम का प्रचार करो। इसीलिए श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, उन्होंने 69 की उम्र में एज में वो पश्चिम में गए और वहां पे इस्कॉन की स्थापना हुई। और अभी उसके अगर 75 इयर्स अपने हो रहे हैं और हम लोग ये उसके फ्रूट्स यहाँ पे खा रहे हैं। और जो भगवान ने एक भविष्यवाणी की थी, मेरा नाम का प्रचार विश्व के हर नगर और गांव में होगा, तो वो भी सार्थक हो रहा है। हर गांव में पूरे विश्व में अभी हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री गौर हरि को हम एक सिंपल प्रार्थना एक करके समापन करेंगे। ये प्रार्थना ऐसे हम जो हम भगवान को भोग लगाते हैं तभी भी हम करते हैं, वो है नमो महावदन्याय, बोलो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्मिषे नमः। हे परम करुणामय अवतार, आप स्वयं कृष्ण है जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने श्रीमती राधा रानी का गौरवर्ण धारण किया है और आप कृष्ण के विशुद्ध प्रेम का सर्वत्र वितरण कर रहे हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं, हरे कृष्ण। और हम प्रार्थना करें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कि हमें हमारे जो अंदर हमारा जो ये देह हमारा मन जो कलमस से भरा हुआ है तो उसको चेतो दर्पण मार्जन उसका सफाई करके हमें उनका प्रेम प्रदान करें। और जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आप हरि नाम का आश्रय लेके इसी जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। तो हम श्री गौर हरि के चरणों में प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे और हमें गाइड करें कि हम कैसे अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम